नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव गुआंड में। और कैराना विधानसभा की फिलहाल की सबसे बड़ी खबर जो सामने आ रही है कि मौजूदा विधायक नाहिद हसन की जमानत जो है हाई कोर्ट ने मंजूर कर दी है, और नाहिद हसन के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। समर्थकों में खुशी की लहर है और ये एक अपने आप में बड़ी बात है, नाहिद हसन की जमानत मंजूर होना। हाई कोर्ट ने जो गैंगस्टर का मामला जो सपा विधायक पे चल रहा था, जमानत याचिका को, उसको सशर्त जमानत दी है। यानी कि कोर्ट ने उनको सिर्फ एक नॉर्मल जमानत नहीं दी है, बल्कि कुछ शर्तें भी रखी हैं कि नाहिद हसन जो है, जो गवाह हैं मौजूदा, उन पे कोई ऐसी डराना या धमकाना नहीं करेंगे, तथा जो सुनवाई कोर्ट द्वारा चल रही है उसमें भी वो मदद करेंगे। और जो नाहिद हसन की तरफ से जो वकील थे, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं इमरान उल्ला और विनीत विक्रम जी ने जो है कोर्ट में उनकी तरफ से पक्ष रखा था इस मामले की सुनवाई में, जो वकालत का जो काम देख रहे थे ये दोनों वकील थे। और नाहिद हसन के वकीलों ने ये भी कहा कि वो बेगुनाह हैं, निर्दोष हैं, और राजनीतिक रंजिश के चलते जो है नाहिद हसन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। हालांकि जो कोर्ट है, कोर्ट में सरकारी वकील ने जो नाहिद हसन की जो जमानत की अर्जी थी उसका विरोध किया, और दोनों पक्षों की जो दलीलें सुनने के बाद कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचा कि उनकी जो जमानत याचिका है वो मंजूर कर ली गई है। विधानसभा चुनाव से पहले नाहिद हसन जी की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें करीब 1.5 दर्जन के आसपास मुकदमे जो हैं नाहिद हसन के ऊपर लगाए गए थे, और ये चुनाव से ठीक पहले की बात है। उसके बाद चुनाव होते हैं, पर उससे पहले ही नाहिद हसन को जो है इन मुकदमों में गिरफ्तार कर लिया जाता है, और नाहिद हसन को मुजफ्फरनगर की जो जिला कारागार थी उसमें बंद कर दिया जाता है। जेल में रहकर ही समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं नाहिद हसन, वो चुनाव लड़ते हैं, और लड़ते नहीं हैं सिर्फ, बल्कि एक भारी मतों से भी जो है जीत दर्ज कराते हैं। हालांकि कुछ महीने बाद ही जिला कारागार से उनको जो है चित्रकूट जेल में भेज दिया जाता है, जो जहाँ पे वो अभी फिलहाल हैं। और नाहिद हसन जो है अभी मौजूदा समय में भी चित्रकूट जेल में ही है। विधायक के खिलाफ जो है मुजफ्फरनगर, शामली समेत कई थानों में लगभग 12 से 14 मुकदमे हाल फिलहाल में दर्ज हैं, जिनके ऊपर अभी भी कोर्ट द्वारा सुनवाई चल रही है। नाहिद हसन जो है ज़्यादातर मामलों में नीची अदालतों से जमानत मिल चुकी है, जो 1.5 दर्जन मुकदमों में से लगभग ज़्यादातर में उनके पास जमानत आ चुकी है। कुछ मामले थे जिनमें उनको जमानत नहीं मिली थी, उसके बाद जो है उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया, और बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में नाहिद हसन को जमानत की अर्जी जो है वो मंजूर कर दी है। बताया जा रहा है कि नाहिद हसन के खिलाफ 17 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें 15 मामलों में अब तक उनको जमानत मिल चुकी है, 2 मामलों में अभी भी जो याचिका है वो निचली अदालतों में लंबित है। उम्मीद है जब वो 2 मुकदमे भी हाई कोर्ट में जाएंगे तो शायद वहाँ से भी नाहिद हसन को रिहाई का जो एक रास्ता है वो उन साफ हो जाएगा। हालांकि ये सिर्फ जमानतें हैं, अभी कोर्ट ने उनको बरी नहीं किया है। देखना आगे होगा कि किस प्रकार जो है न्यायालय इस पे निर्णय लेता है, और कैराना की जनता का जो भविष्य है वो अभी भी अधर में लटका है कि उनका जो विधायक है वो अभी तक मामलों में लंबित है, जनता के सामने नहीं आए हैं। एक विषम परिस्थिति यहाँ पे कैराना लोकसभा पे जो है देखने को मिल रही है। देखना होगा आगे क्या होता है, बने रहिए गांव गुआंड के साथ। जल्दी ही अगर कुछ अपडेट नाहिद हसन के बारे में आते हैं तो हम आपको जरूर बताएंगे। बहुत धन्यवाद।